हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आपने यूट्यूब पर कई सारे चैनल देखे होंगे, जैसे कि सीकन का एक चैनल है और भी व्हाइट बोर्ड एनिमेशन के कई सारे वीडियोस हैं। तो आप व्हाइट बोर्ड एनिमेशन में हाथ से लिखने वाला वीडियोस कैसे बना सकते हैं, जैसे कि कुछ भी आप वहाँ पर अच्छे अच्छे प्रिंट बना सकते हैं, प्रिंट डाल सकते हैं, वॉइस ओवर करके आप अच्छी खासी चैनल चला सकते हैं, जैसे कि सीकन चैनल है। और ये काम आप अपने फ़ोन से कर सकते हैं, वो भी फ्री में। मैं आपको एक ऐसे फ्री ऐप के बारे में बताऊँगा जिससे पे आप इस तरीके का वीडियोज़ बना सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, आज की स्टूडियो में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे सब्सक्राइब करना। तो आज चलते हैं फोन स्क्रीन पर, तो वहाँ पे आपको पूरा डिटेल के साथ दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, आके अपने फोन स्क्रीन पर तो आप इसे फुल स्क्रीन करके पोर्ट्रेट मोड में पकड़ लीजिए। तो यहाँ पे इसने ये मेरा एप्लीकेशन है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लस का सिंबल बना हुआ है, तो यहाँ पे प्लस के सिंबल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप इसकी साइज चूज करते हैं। यहाँ पे देखते हैं इंस्टाग्राम 16:9, मतलब आप इसके लिए यूट्यूब शॉर्ट और इंस्टाग्राम शॉर्ट दोनों के लिए हो जाएगा। बाकी आप यूट्यूब 1000 CP क्लिक करेंगे तो ये आपका फुल वीडियो, मतलब कि जो लॉन्ग वीडियो हो तो उसके लिए हो जाएगा। फिर यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट नेम आप दे सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी दे देंगे। फिर यहाँ पे क्रिएट मूवी पे आप क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई पड़ेगा। फिर यहाँ पे देखते हैं मेरा एक पेज है, तो यहाँ पे देखते हैं किनारे पर प्लस का सिंबल बना हुआ है, तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे हम और भी चैप्टर ऐड कर लेते हैं। तो ये 3-3 सेकंड का एक चैप्टर होता है, फिर इस पर हम क्लिक करते हैं पहले वाले पे। फिर यहाँ पे आप जैसे कि कोई फ़ोटोज़ या स्टिकर वगैरह जो आप लगाना चाहते हैं इसमें ऑलरेडी है, तो जैसे कि मैं अभी पहले आपको कुछ गैलरी के फ़ोटोज़ लगा के दिखाता हूँ। तो यहाँ स्टिकर पर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखते हैं ऐड इमेज पर क्लिक करता हूँ। ऐड इमेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम एक फ़ोटोज़ को कोई भी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं फ़ोटोज़ को सिलेक्ट कर लिया, अब इसको जहाँ भी आप लगाना चाहें इस तरीके से आप लगा सकते हैं। बाकी आप इसको साइज वगैरह बढ़ा चाहते हैं, नीचे से देखते हैं साइज वगैरह बढ़ा के इसको एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। आप देखते हैं यहाँ पे मैं लगा देता हूँ साइज वगैरह के हिसाब से, इस तरीके से आप मैनेज कर लेना है। फिर यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर एक सिंबल बना हुआ है हैंड का, यहाँ पर देखते हैं एनिमेशन किस टाइप के दिखाना चाहते हैं। तो हैंड पे क्लिक करके तो यहाँ पे जैसे कि हैंड राइटिंग वगैरह, जैसे कि आप हैंड राइटिंग में दिखाना चाहते हैं तो कोई भी हैंड आप क्लिक कर लीजिएगा। अब इसको हम प्ले करके आपको दिखाते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं इस तरीके का ये ऑप्शन खुल के आएगा इस तरीके से जब आप वीडियो बनाएंगे, तो अभी इस तरीके का देखते हैं आ रहा है। और भी अगर आप स्टिकर वगैरह ऐड करना चाहते हैं, चाहे इसी पेज में चाहे दूसरे पेज में, तो जैसे फिर यहाँ पर हम दूसरे पेज पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम स्टिकर वगैरह कुछ भी ऐड करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं जैसे कि ऐड इमेज इस पर क्लिक करते हैं, सॉरी इसको यहाँ पे ये रिसेंट में देख सकते हैं कई सारे हमने जो ऐड किया है। और बाकी आप इसको बहुत सारे यहाँ पे देख सकते हैं शेप वगैरह दिए गए हैं, यहाँ पे इस तरीके का कई सारे शेप हैं। बाकी आप बिजनेस पे क्लिक करेंगे इसमें भी कई सारे शेप हैं, एजुकेशन पे क्लिक करेंगे तो देखते हैं एजुकेशन से रिलेटेड शेप हैं, एनिमेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ एनिमेशन शेप हैं। और इस तरीके से यहाँ पे देखते हैं बहुत सारे फीचर दिए गए हैं, कम्युनिटी हेल्पर्स, बायोलॉजी, पीपल, यहाँ पे देखते हैं बायोलॉजिकल में क्लिक करेंगे तो कई सारे जानवर वगैरह पंछी वगैरह इस तरीके से दिए गए हैं। पीपल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं पीपल जिसको आप ऐड करना चाहें, जिस तरीके से आप बनाना चाहते हैं इस तरीके से। फ्लैग वगैरह फ्लैग में दिया गया है, यहाँ पर आप सारी फीचर्स को आप इस तरीके से देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आप कोई भी स्टिकर पर क्लिक करके आसानी से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम कोई भी स्टिकर को यहाँ पे क्लिक करके ऐड करके दिखाते हैं आपको, देखते हैं जैसे कि हमने स्टिकर को ऐड किया, फिर यहाँ पे अब इसकी साइज को हम बढ़ा लेते हैं इस तरीके से, और इस तरीके से आपको एडजस्ट कर लेना है जिस पे जितने पे आप रखना चाहें। और यहाँ पे आप ड्यूरेशन वगैरह आप यहाँ पर क्लिक करके इसकी ड्यूरेशन कम ज़्यादा कुछ भी कर सकते हैं। और भी ऐसे कई सारे आप स्टिकर वगैरह आप अपने हिसाब से लगा के सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि हम यहाँ पर वीडियो काफ़ी स्किप कर दिए, इस तरीके से देख सकते हैं आप जब पूरा क्लिक करके बना देंगे तो आपको इस तरीके का आपको दिखाई पड़ रहा होगा। देख सकते हैं हम यहाँ पे मेरा पूरा फुल किस तरीके से दिख रहा है, इस तरीके से बना हुआ। आप यहाँ पे बना के वॉइस ओवर वगैरह इसको काइन मास्टर डाल कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपना इमेज वगैरह भी डाल सकते हैं। बाकी आप इसका फुल ट्यूटोरियल चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, फिर आपको फुल वीडियो बनाएं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए मैं इसको छोटा ही बनाया। अगर आपको फुल ट्यूटोरियल चाहिए तो एक तरफ से एक तरफ तरह तब आपको इसको आधा घंटे एक घंटे जितने भी समय लगेगा फुल वीडियोस बना के आपको दिखा देंगे। फिर यहाँ पे आपको सिर्फ इस तरीके से प्रोजेक्ट को सेव कर देना है अगर आप इसमें और अभी ज़्यादा एडिटिंग चाहते हैं। फिर आपको क्या करना है, देखते हैं मेरा प्रोजेक्ट जो है सेव हो चुका है।
अब इसको क्या करना है, इसको गैलरी में कैसे लाना है, तो यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ पे सॉरी नहीं अब इस तरीके से नहीं आएगा, तो यहाँ पे देखते हैं सबसे किनारे की तरफ देख सकते हैं मेक अ मूवी, यहाँ पे किनारे की तरफ आया हो, तो यहाँ पे अपना एक नाम दे दीजिएगा, जैसे कुछ भी नाम यहाँ पे लिख के यहाँ पे रेंडर कर देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं ये मूवी बन के तैयार हो रहा है 30 सेकंड का जो भी है, देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ये रेंडर हो चुका है। अब फिर आपको क्या कैसे गैलरी में लाना है, तो यहाँ पे आपको बैक जाना है, बैक जाने के बाद यहाँ किनारे वाले सेक्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पे देखते हैं यही वीडियोज़ है, फिर यहाँ पे आपको नीचे 3 डॉट पर क्लिक करना है, सॉरी यहाँ पे किनारे 3 डॉट पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पे सेव टू गैलरी कर देना है। सेव टू गैलरी करने के बाद ये आपको जो वीडियोज़ होगा ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। फिर आप चल के आपको गैलरी में दिखाते हैं, तो अभी जहाँ पे हमने एक्सपोर्ट किया है यहाँ पे देखते हैं मूवीज़ वाले सेक्शन में ये आ चुका है। अब आप इसकी देखते हैं एडिटिंग, इस तरीके से ये वीडियोस बना हुआ है, तो आप इसमें आप वॉइस ओवर वगैरह कर सकते हैं इस तरीके से। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियोस पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फुल वीडियोज़ अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।